चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि हम हल्दी से अपने घर बैठे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखो, हल्दी से हम बहुत सारे होममेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने चैनल पर बनाई हूँ। इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ इन सब चीज़ों की जो है आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और रेसिपी मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि अगर हम हल्दी से कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं अपने घर में तो कौन कौन से बना सकते हैं। ये सारे DIY प्रोडक्ट है। तो देखते हैं हम क्या बना सकते हैं। हम हल्दी से बना सकते हैं अपने घर बैठे टर्मरिक टोनर, टर्मरिक लिप बाम, टर्मरिक फेस क्रीम, टर्मरिक हेयर स्पा, टर्मरिक मिस्ट स्प्रे, टर्मरिक लिप स्क्रब, टर्मरिक फेस पैक, टर्मरिक हेयर मास्क, टर्मरिक फेस मास्क, टर्मरिक हेयर कलर, टर्मरिक हेयर डाई, टर्मरिक फेस जेल, टर्मरिक नाइट क्रीम, टर्मरिक एंटी एजिंग क्रीम, टर्मरिक फेस सीरम, टर्मरिक फूड क्रीम, टर्मरिक क्यूटिकल क्रीम, टर्मरिक फेस स्क्रब, टर्मरिक बॉडी स्क्रब, टर्मरिक बॉडी उपटन, टर्मरिक हैंड क्रीम, टर्मरिक हैंड लोशन, टर्मरिक एंटी एजिंग क्रीम, टर्मरिक डे क्रीम, टर्मरिक नाइट क्रीम। बस इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो हम घर बैठे अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, यानी कि टर्मरिक के बारे में। हल्दी जो है वो सदियों से हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये हमारे खाने के टेस्ट को बढ़ाती है और हमारी फूड को बहुत अच्छा कलर देती है। साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए हम हल्दी को अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम हल्दी को अपने ब्यूटी को निखारने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है वो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है ना। ये हमारी स्किन को न सिर्फ निखारती है, इसे गोरा करती है, बल्कि स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो इन सारे प्रॉब्लम्स को ये टारगेट भी करती है ना। हल्दी में कुरकुमिन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। हल्दी हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने के साथ साथ स्किन पर होने वाले रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी ख़त्म करती है ना। एज स्पॉट्स को दूर करती है ना। हल्दी में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो हमारी स्किन पर होने वाले किसी भी तरह के एक्ने और पिंपल्स को ना सिर्फ ख़त्म करती है बल्कि इनसे होने वाले दाग धब्बों को भी दूर करती है ना। अगर हमारी स्किन जल गई हो, सनबर्न हो गया हो, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से अगर हमारी स्किन को कोई हानि पहुंची हो, सनबर्न और सनटैन हो गया हो, तो ये उसे भी दूर कर देती है ना। अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो तो ये उसे भी ख़त्म करती है। साथ ही साथ अगर ब्लैक हेड और वाइट हेड्स हो तो उसे भी ये दूर कर देती है ना। चेहरे पर होने वाले जैसा कि फोरहेड पर फाइन लाइंस हो या रिंकल्स हो, उन सारे एजिंग साइंस को भी ये दूर करती है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है ना। चलिए अब ये तो बात हो गई कि ये हमारी स्किन के लिए क्या क्या कर सकती है। अब बात करते हैं कि हमारे बालों के लिए हल्दी क्या करती है। तो हल्दी जो होती है हमारे बालों को ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, इसको स्ट्रेंथ देती है और उनकी हमारे बालों को काला, घना और लंबा बनाती है और उनकी बहुत अच्छी तरह से कंडीशनिंग भी करती है ना। अब बात करते हैं कि हल्दी में जो होती है वो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प की बहुत सारी समस्याओं को भी दूर करती है। जैसे कि हमें अगर डैंड्रफ हो, इच, स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को भी ये चुटकियों में दूर कर देती है ना। साथ ही साथ अगर हेयर फॉल और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो उसे दूर करती है। रफ, फ्रिजी, बेकार बाल हो गए, अनमैनेजेबल बाल हो गए हो तो उसे दूर करती है, उसे मैनेजेबल बनाकर उसे काला, घना, लंबा और शाइनी बनाती है। बालों के जो वॉल्यूम है उसे भी दुगना कर देती है, बालों को नरिशमेंट देती है और उसे काला, घना, लंबा, शाइनी बनाती है ना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।